हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, लास्ट टाइम पर हम सेलों के समांतर क्रम संयोजन की बात कर चुके थे ना, और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे, एक नई हेडिंग है, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम बहुत ध्यान से सुनना भाई ना, काफ़ी सरल हेडिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। किरचॉफ, जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हो, एक वैज्ञानिक का नाम है। और किरचॉफ साहब ने दो नियम दिए थे। इनका जो पहला नियम था वो धाराओं के लिए था। सुनना आप ध्यान से, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, तो इनके नाम कैसे कैसे हो गए ध्यान से देखना। पहला नाम तो हो गया पहले वाले का, तो किरचॉफ का प्रथम नियम, और दूसरे वाले का नाम हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। एक एक नाम तो इनके ही हो गए, ठीक है ना। पहला जो नियम है वो धाराओं के लिए होता है, विद्युत धारा के लिए होता है, तो इसको अपन शॉर्ट में KCL बोल देते हैं। KCL, KCL का मतलब किरचॉफ करंट लॉ। और जो सेकंड नियम है वो विभव के लिए होता है, इसको बोल देते हैं KVL, मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक एक नाम तो हो गया किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा शॉर्ट में इसको हम बोल देंगे KCL पहले वाले को, और दूसरे वाले को बोल देंगे KVL। KCL नाम क्यों दिया? क्योंकि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो करंट के लिए लागू होगा, और किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टेज के लिए लागू होगा, इसलिए KCL और KVL नाम दिया। किरचॉफ का पहला जो नियम है इसे संधि बिंदु पर लगाएंगे अपन। किरचॉफ का, इसलिए एक नाम और बन जाता है संधि नियम, और इसको लगाया जाएगा लूप में, इसलिए किरचॉफ का लूप नियम भी कहते हैं। मेरी बातों को एक बार आप बहुत ध्यान सुनिए। किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने विद्युत धारा और विभव के लिए दो अलग अलग नियमों का प्रतिपादन किया, तो इसलिए जो पहला नियम था उसके कितने नाम हो गए? एक तो हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम, भाई पहला है इसलिए हमने इसको किरचॉफ का पहला नियम नाम दिया। चूंकि ये करंट के लिए लागू होता है इसलिए इसको किरचॉफ करंट लॉ कहा, और ये लागू होता है संधि बिंदु पर, इसलिए इसको हमने किरचॉफ का संधि नियम नाम दिया। अब बात आती है भैया, संधि बिंदु होता क्या है? संधि बिंदु क्या होता है वो समझिए ध्यान से। जंक्शन पॉइंट, संधि बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं अपन जंक्शन पॉइंट। और बच्चों, जंक्शन का अर्थ होता है जहां दो से अधिक रास्ते हो, जैसे कि त्राया होता है ना, त्राया तो एक सिंपल रोड है, तो इस बिंदु को आप जंक्शन नहीं कहोगे क्योंकि यहां तो ये एक ही रास्ता माना जाएगा, पर यहां से एक नया रास्ता और बन जाए अगर, तो अब ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका? जंक्शन पॉइंट। और कितने भी हों, ये हो, ये हो, ये हो, तो ये वाला क्या बन जाएगा आपका? जंक्शन पॉइंट, जहां दो से अधिक रास्ते हों। तो करंट की लैंग्वेज में जहां दो से अधिक करंट आकर मिलेंगे ना, उस पॉइंट को नाम दिया जाएगा जंक्शन पॉइंट, संधि बिंदु। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है जिसे अपन KCL कहते हैं, या किरचॉफ का संधि नियम भी कहते हैं, वो संधि बिंदु पर लागू होगा। दूसरी बात करें इसकी, किरचॉफ का दूसरा नियम ये लगेगा लूप में, और लूप का मतलब होता है एक बंद परिपथ, बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारी बैटरियां से मिलकर एक बंद परिपथ अगर हम बना दें, क्लोज सर्किट अगर हम बना दें, तो इसे कहते हैं हम लूप। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ना, वो कहाँ लागू होता है? लूप में, इसलिए हमने इसको लूप का नियम नाम दिया है। पहले मैं नाम ही क्लियर कर रहा हूँ, तो किरचॉफ, एक बार आप ये नाम वगैरह ना नोट कर लेना, हेडिंग डाल लो, किरचॉफ के नियम हेडिंग डाल लीजिए आप, हेडिंग लिख लें आप किरचॉफ के नियम,
और उसमें एक लाइन डाल देना, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा तथा विभव से संबंधित निम्न दो नियम दिए, नोट करिए भाई, और दोनों के नाम लिख लें पहले आप। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा और विभव से संबंधित निम्न दो नियम दिए, दो नियम है साहब उनके, और उनके नाम लिख लो आप। पहले वाले को किरचॉफ का प्रथम नियम कह सकते हो, शॉर्ट में KCL कह सकते हो, किरचॉफ करंट लॉ, और इसे अपन किरचॉफ का संधि नियम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। संधि नियम नाम क्यों दिया, क्योंकि संधि बिंदु पर लागू होता है। और दूसरे वाले को अपन ने लूप नियम नाम दिया, क्योंकि ये बंद लूप में लागू होगा, ठीक है ना। दोनों नाम नोट करो और एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किरचॉफ का संधि नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम लिख लो आप, तो चलो ऐसा करो, किसी भी नाम से पढ़ सकते हैं पढ़ने को, तो किरचॉफ का प्रथम नियम डाल दो हेडिंग, या किरचॉफ का संधि नियम डाल दो, या फिर आप इसको KCL कह दो, ठीक है ना। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, आप ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये नियम है कि संधि बिंदु पर लागू होगा, और संधि बिंदु का तात्पर्य क्या है, जहां पर कई करंट आ रहे हों और कुछ जा भी रहे हों। अब जाने वाला एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, आप ऐसा समझिए इस चीज को। सपोज इस रेजिस्टेंस में होकर पहला करंट आ रहा है इधर I1, कहीं से ले लो ये, इस रेजिस्टेंस में होकर दूसरा करंट आ रहा है, इस रेजिस्टेंस में होकर तीसरा आ रहा है, कुछ भी डायग्राम हो सकता है ना भैया, ऐसा कोई डायग्राम मान लिया हमने, I1 आ रहा है, I2 बाहर निकल रहा है जंक्शन से, I3 भी बाहर निकल रहा है, I4 आ रहा है, और I5 बाहर निकल रहा है, कुछ ऐसा है। तो इस पॉइंट को नाम दिया जाएगा जंक्शन पॉइंट। आप समझ गए जंक्शन पॉइंट का मतलब, जहां पर कई करंट मिल रहे हों, कुछ करंट आ रहे हों, कुछ करंट बाहर जा रहे हों। तो इसका एक बड़ा सरल स्टेटमेंट है, आप सबको पता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, विद्युत धारा अदिश राशि है। तो किरचॉफ ने यह कहा कि संधि बिंदु पर जो कुल धारा है ना, या सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है सिग्मा आई, वो जीरो होता है। किरचॉफ ने क्या कहा कि सिग्मा आई का मान कितना आता है साहब, जीरो। सिग्मा आई को अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा आई को अपन क्या बोलेंगे, संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। बहुत सारी धाराएं हैं ना, तो संधि बिंदु पर जितनी धाराएं मिल रही हैं, सिग्मा आई मतलब कुल धारा, और धारा अदिश राशि है, इसलिए कौन सा योग करूंगा, बीजगणितीय योग। मैं इसका एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आप सुनना ध्यान से। किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार
किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो कहता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि बिंदु पर, मैंने बोला था ना कि ये नियम कहाँ लागू होगा भैया, संधि बिंदु पर लागू होगा। और आप तो शॉर्ट में स्टेटमेंट याद रख लेना, सिग्मा आई बराबर जीरो, मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य प्राप्त होता है सिग्मा आई बराबर जीरो। या अपन इसको देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किरचॉफ ने क्या कहा भाई, देखो दो तरह करंट है, आने वाले और जाने वाले। आने वाले को आप प्लस का मान लो, जाने वाले को आप माइनस का मान लो, उल्टा भी मान सकते हो, आने वाले को माइनस का और जाने वाले को प्लस का, मतलब अपोजिट साइन का मानना है। तो मैंने मान लिया, माना आने वाला पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखो, आप इस जंक्शन पॉइंट पर बैठ जाओ और महसूस करोगे कि आई वन आने वाला करंट है, तो आप आई वन में लगा दोगे प्लस का आई वन। फिर आई टू जाने वाला करंट है, तो आप इसको माइनस का आई टू बोलने वाले हो, क्योंकि आने वाला प्लस का मानना है, जाने वाला माइनस का। आई थ्री बाहर निकलने वाला करंट है, आई फोर आने वाला करंट है, और आई फाइव बाहर निकलने वाला करंट है, बराबर में कितना आ जाएगा, जीरो। थोड़ा और देखा जाए, प्लस वाले एक साइड में रखो आप आई वन प्लस आई फोर, और आप माइनस वाले एक साइड में रखो आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव। तो आप देखोगे, देखो ध्यान से, संधि बिंदु पर आने वाले करंट कौन कौन से हैं। आने वाला करंट एक तो है आई वन और एक है आई फोर, तो आई वन प्लस आई फोर को आप कह सकते हो सिग्मा आई इनकमिंग। सिग्मा आई इनकमिंग से मेरा तात्पर्य है संधि बिंदु पर आने वाली कुल धारा। सिग्मा आई इनकमिंग से मेरा तात्पर्य है संधि बिंदु पर आने वाली कुल धारा। और आई टू जाने वाला, आई थ्री जाने वाला, आई फाइव जाने वाला, तो आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव को अगर मैं लिखूं, तो आप उसको लिखोगे सिग्मा आई आउट गोइंग। ये वाला कहने का अर्थ क्या हुआ कि किरचॉफ के प्रथम नियम के दो स्टेटमेंट बन गए। पहला स्टेटमेंट कहता है किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना आता है, जीरो। या फिर आप इसका स्टेटमेंट बना सकते हो कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाली कुल धारा संधि बिंदु से जाने वाली कुल धारा के बराबर। बात भी सही है भाई, जो जंक्शन पॉइंट है ना, तो करंट को खा रहा है ना करंट बना रहा है, मीन्स जितना करंट इसके ऊपर आएगा उतना ही करंट तो बाहर निकलेगा। तो आप एक स्टेटमेंट इसका और लिख सकते हो, अर्थात किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार संधि बिंदु पर आने वाली कुल धारा, कॉमा लगाना, संधि बिंदु से जाने वाली कुल धारा, कुल धारा कह रहे हो या धाराओं का बीजगणित योग भी कह सकते हो आप।
आप ऐसे ले सकते हो, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या मैंने इसको कुल धारा के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो प्रथम नियमानुसार संधि बिंदु पर आने वाली कुल धारा संधि बिंदु से जाने वाली कुल धारा के बराबर होती है। दो स्टेटमेंट है इसके, है ना, कोई सा लिख सकते हो। और मेरी सलाह तो आपको यह है कि आप पहला वाला स्टेटमेंट ही लिखेंगे अगर एग्जाम में आता है तो। अच्छा, इसका एक सिद्धांत और है। सिद्धांत, अगर किरचॉफ के पहले नियम का आपसे सिद्धांत पूछ लिया जाए तो इसका सिद्धांत होता है आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन। नोट करिए इसको, ये किरचॉफ का पहला नियम है भाई। दिख जाएगा, दिख रहा है, आप आराम से नोट कर लें। हाँ भाई, इस पर अपन एक दो क्वेश्चन भी देख सकते हैं ना, किरचॉफ के प्रथम नियम पर। देखिए, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, किरचॉफ के नियम में। क्वेश्चन देखना आप, एक जंक्शन पॉइंट दे दिया अपने को, कुछ भी चार एम्पियर, तीन एम्पियर आई, दो एम्पियर मान लो, तीन एम्पियर, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है। और क्वेश्चन कहेगा आई का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है, ट्राई करो। है आपको केसीएल लगाना है, मतलब किरचॉफ करंट लॉ लगाना है,
किरचॉफ का पहला नियम लगाना है ना, और आई का मान ज्ञात करना है। करके देखो, लगाए क्या आपको ये संधि बिंदु दिख गया? तो आप इस पर KCL लगाइए, देखो 4 एम्पियर आने वाला है, आने वाला आपको प्लस का मानना है, और सिग्मा आई बराबर 0, दोनों में से कोई सा लगा सकते हो आप, सिग्मा आई बराबर 0 लगा दो, या सिग्मा आई इनकमिंग बराबर सिग्मा आई आउटगोइंग लगा दीजिए। तो मैं पहला स्टेटमेंट अपना लूँ, सिग्मा आई बराबर 0 लगाइए, आने वाला पॉजिटिव मीन्स प्लस का 4, जाने वाला नेगेटिव तो माइनस का 3, माइनस का आई प्लस 3 आने वाला है, और 2 जाने वाला है बराबर 0। प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, क्या बच गया देखना आप, यहाँ से 4 माइनस 2 2, आई की वैल्यू आएगी साहब 2 एम्पियर, पक्षांतरण करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो ऐसा बन सकता है, एक नंबर का छोटा मोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, और एक क्वेश्चन अगर संधि बिंदु 1 से अधिक हो, जैसे कि इसको मान लीजिए आप 3 एम्पियर करंट आया, 1.5 एम्पियर इधर चला गया, इसको हमने जंक्शन पॉइंट ए नाम दिया, यहाँ एक्स, 1 एम्पियर इधर चला गया, इसको हमने वी नाम दिया, यहाँ से 0.25 एम्पियर और चला गया, इसको हमने सी नाम दिया, और ये है आई। आई का मान ज्ञात करना है, करो भाई ट्राई करो। पहले वाला क्वेश्चन में आपको एक ही जंक्शन पॉइंट दे रखा था है ना, और इसमें आपको 3 जंक्शन पॉइंट दिख रहे होंगे ए बी सी, बताइए आई का कितना मान होगा? ट्राई करें आप लोग, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो अपन इसको तो बिना पेन चलाए बड़ी आसानी से मुश्किल से सेकंडों में कर सकते हैं भाई ना, दोनों तरीके से करके दिखाते हैं, आप ट्राई करिए जल्दी से। देखना भाई, देखो अगर ऑब्जेक्टिव होता तो कैसे करते, इधर से 3 एम्पियर करंट आया, 1.5 एम्पियर बाहर निकल गया, तो एक्स की वैल्यू बच गई होगी 1.5 एम्पियर, 3 एम्पियर आया 1.5 एम्पियर निकल गया, तो एक्स की वैल्यू क्या बची होगी 1.5 एम्पियर। अब उस 1.5 एम्पियर में से 1 एम्पियर निकल गया, अच्छा यहाँ बाई लिख दो आप, तो 1.5 एम्पियर में से 1 एम्पियर निकल गया होगा, तो 0.50 एम्पियर बचा होगा,
और 0.50 में से 0.25 एम्पियर निकल गया तो आई का मान 0.25 सोचा होगा। तरीके से कैसे लिखें आंसर देखना आप इसका। तो आपको तीन संधि बिंदु नजर आ रहे हैं ए बी और सी, संधि बिंदु ए पर केसीएल से, संधि बिंदु ए पर केसीएल लगाना, प्लस का तीन, तीन एम्पियर आने वाला करंट है, डेढ़ एम्पियर बाहर जाने वाला है और एक्स बाहर जाने वाला है। अगर आप संधि बिंदु ए पर बैठ जाते हो तो आप महसूस करोगे कि तीन एम्पियर आने वाला करंट है, डेढ़ एम्पियर बाहर निकल रहा है और एक्स बाहर निकल रहा है। आप इसको कैलकुलेट करिए तो एक्स की वैल्यू आपको 1.5 एम्पियर समझ में आएगी। अब और आगे बढ़िए, अगला संधि बिंदु लीजिए, संधि बिंदु बी पर केसीएल से, आप जरा बी पर केसीएल लगाना तो आप महसूस करोगे बी पे बैठ जाओ कि एक्स इनकमिंग करंट है और एक्स की वैल्यू ऊपर है, ये तो प्लस का 1.5, 1 एम्पियर बाहर निकल रहा है माइनस 1 और बाई बाहर निकल रहा है माइनस बाई, बराबर कितना है 0, तो बाई की वैल्यू आती है 0.5 यानी कि 50, एक ही बात है वो तो एम्पियर। ठीक है सर, अब आप सी बिंदु तीसरे बिंदु की बात करिए, संधि बिंदु सी पर केसीएल से, सी पर केसीएल लगाना, बैठ जाओ तो आप देखोगे बाई इनकमिंग करंट है प्लस का 0.25 बाहर निकल रहा है तो माइनस का, और आई बाहर निकल रहा है बराबर कितना है 0, जब आपने आई कैलकुलेट किया इसमें से तो 0.25 एम्पियर आपका आंसर। क्लियर है, नोट करो। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बन सकते थे इस पर, जब जंक्शन पॉइंट एक हो और जब जंक्शन पॉइंट एक से ज़्यादा हो। ठीक है भाई, अगला तो ये तो हो गई बात किरचॉफ के पहले नियम की। तो दो स्टेटमेंट हो गए, सिग्मा आई बराबर 0, संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 होता है, या दूसरा सिग्मा आई इनकमिंग इक्वल टू सिग्मा आई आउटगोइंग, संधि बिंदु पर आने वाली कुल धारा संधि बिंदु से जाने वाली कुल धारा के बराबर होती है। हर्ट्ज का सिद्धांत हो गया आवेश संरक्षण। दो अपन ने क्वेश्चन देख लिए इसके ऊपर भाई। सेकंड नियम की बात करते हैं, है ना। दूसरा नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम कह दो आप इसे। अब आपको पता है कि ये वोल्टेज के लिए लागू होता है तो आप इसको KVL भी कह सकते हो, और लूप में लागू होता है तो आप इसे किरचॉफ का लूप नियम भी कह सकते हो। इसका स्टेटमेंट क्या है ध्यान से सुनना अच्छे से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लूप में लगेगा, और लूप का मतलब होता है प्रतिरोध, बैटरी, इन सब चीज़ों से निर्मित एक बंद परिपथ, कुछ इस टाइप का, कुछ भी मान लीजिए आप,
इसे अपन लूप कहते हैं। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, इसे हम कहाँ लगाएंगे? लूप के अंदर लगाएंगे। एक नंबर बात, इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो, इसमें दो तरह के एलिमेंट पड़ेंगे, रेजिस्टेंस बैटरी, रेजिस्टेंस बैटरी, बैटरी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का अपना एक वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकाला जाता है बी बराबर आई आर के फॉर्मूले से। रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लो, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देख लो, और करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज आ जाएगा। और बैटरी का वोल्टेज उस बैटरी के ऊपर लिखा होता है, वो कितने वोल्ट की बैटरी है। तो एक्चुअल में इसके दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट जैसे किरचॉफ के प्रथम नियम का क्या था, सिग्मा आई बराबर जीरो, इसका पहला स्टेटमेंट तो आप ये लगा सकते हो, सिग्मा वी बराबर जीरो। किरचॉफ का जो सेकंड नियम है, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, वो कहता है कि लूप में, किसमें लूप, या एक बंद परिपथ बोल दो, लूप में कुल वैभव शून्य होता है। वैभव पतन कह दो इस चीज़ को आप, है ना, कि किसी बंद लूप में कुल वैभव कितना आता है साहब, शून्य आता है। वैभवों का बीजगणितीय योग कितना आता है, शून्य आता है। इसका एक स्टेटमेंट और बनता है, देखो बैटरी वोल्टेज देगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज को खाएगा। तो आप इसको है ना इस तरीके से भी नोट कर सकते हो, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा वी, ये भी इसका स्टेटमेंट हो सकता है। सिग्मा आई आर का मतलब है रेजिस्टेंस का कुल वोल्टेज, आई आर किसका वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस का भी बराबर आई आर से, और सिग्मा आई आर मतलब नेट वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का कुल वैभव, प्रतिरोधों का कुल वैभव, और सिग्मा वी का मतलब क्या होगा, बैटरी के कुल वैभव के बराबर आता है, प्रतिरोधों का कुल वैभव बैटरी के कुल वैभव के बराबर आता है। इसके अच्छा, इसमें ना दम स्टेटमेंट में नहीं है, इसको अप्लाई करने में है। इसके जो क्वेश्चन आते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम के, बड़े मतलब धमाकेदार सवाल होते हैं भाई ना, एक बार इसको लिख करके फिर अपन अप्लाई करना सीखेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, आप मेरे साथ नोट कर सकते हो, किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी बंद परिपथ ब्रैकेट में लूप, किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी बंद परिपथ में वैभवों का बीज गणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, पहली बात तो आप याद रखना, ये सेकंड नियम बंद परिपथ में लागू होगा, मैंने आपको फर्स्ट का बताया था, संधि बिंदु पर लागू होता है, और वो कहता है धाराओं का योग शून्य है, और ये कहता है विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। स्टेटमेंट के रूप में आप इसे सिग्मा वी बराबर जीरो लिख सकते हो, पहला स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट और है इसका, जैसा कि आपको पता है लूप में अब दो तरह के एलिमेंट होंगे, एक तो रेजिस्टेंस और एक बैटरी। तो नेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों के स्तरों पर उत्पन्न कुल विभव बैटरियों के कुल विभव के बराबर आता है, उसको भी लिख दीजिए आप। किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न कुल विभव, मीन्स में सिग्मा आई आर की बात कर रहा हूँ, किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न कुल विभव
बैटरियों के कुल विभव के बराबर होता है। मीन्स सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा बी। ये अपन अप्लाई क्या करेंगे ना, अपन ये भी अप्लाई कर सकते हैं करने को, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। एक आधे स्टेप समीकरण का बच जाएगा इसको यूज करने से, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इसका भी एक सिद्धांत है, जैसे किरचॉफ के पहले नियम का प्रिंसिपल था आवेश संरक्षण, तो ये जो के वी एल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का लूप नियम, जो भी आप नाम से जानते हो, के वी एल, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित। पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित था और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। एक बार ये लिखिए, फिर आपको केवीएल अप्लाई करना सिखाते हैं भाई, है ना। पहले स्टेटमेंट लिख लें। अच्छा, अपने आरबीएससी के पेपर में ना, तो इनमें से क्वेश्चन उठ जाता है, सिर्फ स्टेटमेंट का क्वेश्चन कई बार आया है। सिंपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पहले नियम का कथन लिखो, दूसरे नियम का कथन लिखो, पहला नियम किस संरचना पर कैसा आधारित है, प्रथम और द्वितीय नियम। तो याद रखना, पहला तो आवेश संरक्षण और दूसरा ऊर्जा संरक्षण की पालना करता है। ठीक है साहब, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब बात करें कि केवीएल अप्लाई किस करेंगे। जैसे हमने केसीएल के क्वेश्चन देखे, तो एक संधि बिंदु मिलता था, उस पर बड़ी आसानी से मैं सिग्मा आई बराबर जीरो कर दिया करता था, है ना भाई, इसको देखना। तो कुछ दो तीन छोटे छोटे से नियम है, वो देख लो आप, केवीएल के नियम। अब नियम तो क्या है, एक तरीके से सवाल करने का पैटर्न है, कि जब सवाल हमारे सामने आएगा तो अपन किस तरीके से सोचेंगे। सबसे पहला, सर्वप्रथम, सबसे पहले तो अपन लूप का चयन करते हैं। ये क्या बात हुई साहब, अगर मान लीजिए आपको एक सिंगल लूप दिया हुआ है, अरे ये ले लो, ये लो, सिंगल लूप है तो उसका चयन करना ही क्या है। मान लो कुछ इस तरीके का एक लूप सामने आ गया, तो इसमें दो लूप है, पहला और दूसरा, तो पहले तो हम लूप चुनेंगे कि हमें लगाना केवीएल कौन से लूप में, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन क्या चुनेंगे, लूप का चयन करते हैं। जब एक से, अगर सिंगल लूप होगा तो फिर तो चयन करने की बात ही नहीं आई, अगर एक से अधिक लूप हैं तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें केवीएल लगाना कौन से लूप में है। दूसरा, चुने गए लूप में घूर्णन की दिशा का निर्धारण करेंगे। अब साहब लूप चुन लिया मैंने, ये वाला भाई, मुझे केवीएल इसमें लगाना है, तो मुझे इसमें घूर्णन की दिशा फिक्स करनी होगी। घूर्णन की दिशा का मतलब हमें क्लॉकवाइज घूमना है या फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, कोई भी एक तरीका जो आपको पसंद आता हो। इसका कोई नियम नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज ही घूमना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है, पर चूंकि हमें अब सवाल करना है तो मैं आगे से क्लॉकवाइज ही घुमा करूँगा। आप चाहो तो सवाल को एंटी क्लॉकवाइज घूम कर सकते हो। सबसे पहले आपने लूप चुन लिया, फिर आपने उसमें घूर्णन की दिशा का निर्धारण कर दिया। अब सुनना, अप्लाई करना है हमें सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा वी।
प्रतिरोध का विभव बैटरी के विभव के बराबर है। अब जब प्रतिरोध का विभव निकालने की बारी आएगी तो परिमाण तो IR फॉर्मूले से निकल जाएगा कि उसमें करंट कितना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। पर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 10 ओम था और इसमें करंट बह रहा है 2 एम्पियर, तो इसका वोल्टेज मेरे हिसाब से 10 × 2 कितना आ गया, 20। पर आप देखोगे कि कई बार तो इसको हम प्लस का मान लेंगे और कई बार हम इसको माइनस का मान लेंगे, वो क्या चक्कर है? तो सुनना, जब आप घूम रहे होंगे ना तो आपको लगे कि आप धारा की दिशा में हो, आपको लगे कि आप धारा की दिशा में हो तो चिन्ह प्लस का लेना है, अदरवाइज अपोजिट हो तो माइनस का लेना है। आप जब क्लॉकवाइज घूम रहे थे मान लो और धारा ऊपर जा रही है और आप भी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का, और आप अपोजिट आ रहे होते तो चिन्ह किसका हो जाता, फिर ये माइनस का। याद रखना, प्रतिरोध के लिए विभव निकालने का सूत्र तो होगा IR, करंट की दिशा में जाओगे तो प्लस का, अपोजिट जाओगे तो माइनस का। और बैटरी की बात करें तो बैटरी के तो खुद के ऊपर लिखा होगा ऐसे 10 वोल्ट जो भी बैटरी है। अब इसमें चिन्ह कभी प्लस 10 कभी माइनस 10, तो घूमते समय जो अंतिम सिरा पड़ेगा, घूमते समय जो अंतिम सिरा पड़ेगा ना, वो चिन्ह के रूप में काम में ले लेंगे अपन। सवाल में समझेंगे अच्छे से, तो एक बार नियम तो लिख लें, फिर एक सवाल कराते हैं आज इसका, है ना। सबसे पहले लूप का चयन करेंगे, चुने गए लूप में घूर्णन की दिशा का निर्धारण करेंगे, और नियम नंबर 3, प्रतिरोधों का विभव, ब्रैकेट में सूत्र तो हो जाएगा V = IR। प्रतिरोधों का विभव कौन से सूत्र से निकलेगा साहब, V = IR, उसमें बहने वाली धारा और रेजिस्टेंस की वैल्यू। प्रतिरोधों का विभव धारा की दिशा में चलने पर धनात्मक तथा विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक लिया जाता है। प्रतिरोध का जो विभव है वो सूत्र तो लगाऊंगा V = IR, अगर आप करंट की दिशा में हो तो प्लस का, और अगर आप करंट की विपरीत दिशा में हो तो माइनस का लिया जाता है। और बैटरी के लिए, बैटरी के लिए वोल्टेज तो बैटरी के ऊपर लिखा मिलेगा, ये बात चिन्ह की है, बैटरी के लिए चिन्ह के रूप में अंतिम सरा काम लिया जाता है। बनाओ भाई जल्दी से, फिर अपन सवाल देखते हैं इसका। ये नियम लिखने में समझ में नहीं आएंगे ना, सवाल में जब अप्लाई करेंगे ना भैया तो समझ में आएंगे। जल्दी से आप नोट करिए, लूप का चयन कर लो, घूर्णन की दिशा का निर्धारण कर दो, प्रतिरोध का विभव V = IR काम में लो, धारा की दिशा में चलोगे पॉजिटिव, उल्टा चलोगे नेगेटिव, और बैटरी के लिए अंतिम सिरा चिन्ह के रूप में काम में लिया जाएगा। लिखना और आप देखो समझना एक क्वेश्चन ध्यान से जल्दी से। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, सबका ध्यान अब बोर्ड पर होना चाहिए। वैसे अब जो डायग्राम बना रहे हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 10 ओम, NCERT बुक का ही क्वेश्चन है, 5 ओम 5 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम,
इसको नाम दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है और यहाँ एक बैटरी लगा दी। ये रेजिस्टेंस 10 ओम का और ये बैटरी 10 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप समझिए, क्वेश्चन में हो सकता है वो दे दे या हो सकता है वो ना भी दे, तो आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखना भाई, ये काम की चीज़ है। आप जानते हो ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है। करंट बैटरी के प्लस से निकलता है, करंट बैटरी के प्लस से निकलता है, और कुल करंट मान लेता हूँ मैं आई। तो ये वाला जो बैटरी का प्लस है इससे कितना करंट बाहर निकल रहा है, आई करंट बाहर निकल रहा है। अब आई करंट यहाँ तक आ गया, पॉइंट ए तक आ गया ना आई करंट भाई, और पॉइंट ए पर जो आई करंट है ना ये दो भागों में बट जाएगा। ध्यान से देखो, पॉइंट ए पर आपको दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, तो अब आई करंट दो भागों में बट गया। इसका कुछ भाग ऊपर चला जाएगा, मान लो आई वन, कितना मान लिया मैंने आई वन, और बचा हुआ भाग अब आप इसको है ना यहाँ आई टू भी कह सकते हो। आई टू कहोगे तो आप खामोखा एक नया वेरिएबल लेके आ रहे हो, एक नया इक्वेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। उससे बेटर भाई, चूंकि कुल करंट तो आई आया था ना, आई वन इधर चला गया तो बचा हुआ ही तो जाएगा ना इधर, और बचा कितना होगा भाई आई माइनस आई वन। दिमाग लगा लो, यहाँ से कुल करंट कितना बाहर निकला आई, पॉइंट ए तक पहुँच गया, पॉइंट ए पर करंट दो भागों में बट गया, कुछ करंट कितना आई वन ए बी ब्रांच में चला गया, और बचा हुआ करंट ए डी ब्रांच में आ गया आई माइनस आई वन। अब देख ध्यान से, आई वन करंट यहाँ पहुँच गया तो दो भागों में बट सकता है, और थोड़ा दिमाग लगा, आई माइनस आई वन जब यहाँ पहुँचेगा तो ये भी तो दो भागों में बट सकता है। अब अगर आप इसको भी दो भागों में बांटते हो ना तो चक्कर बढ़ गए, ध्यान से देखना। जरा बी डी ब्रांच को देख, बी डी ब्रांच को ऊपर से भी करंट आ रहा है, नीचे से भी करंट आ रहा है, और एक वायर में दोनों साइड से करंट फ्लो होगा नहीं। इसका मतलब या तो करंट आएगा बी से डी की ओर, या करंट जाएगा डी से बी की ओर, एक साइड में करंट बहेगा किसी में, वो एक्चुअल में डिपेंड करेगा बी और डी के विभव पर। अगर बी और डी के विभव बराबर हुए तो इस ब्रांच में करंट ही नहीं बहेगा, अगर बी का विभव ज़्यादा हुआ तो करंट ऊपर से नीचे आएगा, और डी का विभव ज़्यादा हुआ तो करंट नीचे से ऊपर जाएगा। फिलहाल नहीं पता है तो आप कोई सा एक करंट मान लो, मैंने ऊपर वाला मान लिया, ये लो आई वन आया इधर, तो नीचे करंट कितना आ गया मान लो आई टू, तो आई वन का बचा हुआ भाग आई वन माइनस आई टू यहाँ से निकल जाएगा। अब देख ऊपर से कितना आ रहा है आई टू, इधर से कितना आ रहा है आई माइनस आई वन, मिलकर इधर जाएगा आई माइनस आई वन प्लस आई टू, और आई माइनस आई वन प्लस आई टू और आई वन माइनस आई टू यहाँ मिल जाएंगे, तो वापस आई करंट आ जाएगा। प्रवेश करने वाला करंट भी आई है, बाहर निकलने वाला करंट भी कैसा है आई। मैं डायग्राम एक बार दोबारा बनाता हूँ आपके लिए ना, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया ना तो बी टेस्ट ऑन में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी भैया। ध्यान से देखना, दोबारा देख, बड़ा डायग्राम बनाऊँ, थोड़ा छोटा बन गया था अभी। देखो एक चतुर्भुज नुमा आकृति में चारों भुजाओं पर चार रेजिस्टेंस जोड़े, चार प्रतिरोध बनाए। मैंने आपको संधारित्र में समझाया था एक बार ऐसा एक क्वेश्चन, वैसे अगली हेडिंग बी टेस्ट ऑन ही रहेगी। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, इसका नाम ए बी सी डी, 10 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 10 ओम, और यहाँ एक बैटरी, टेन वोल्ट एंड 10 ओम, ये वाला सिस्टम है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैसे बताया कि कुल करंट मैं मान लिया कितना है साहब आई, आई करंट यहाँ तक आ जाएगा, ए पर दो भागों में बट गया, कुछ करंट ऊपर कितना आई वन,
और बचा हुआ करंट नीचे कितना आई माइनस आई वन, यहां जाकर आई वन दो भागों में बट गया, कुछ करंट नीचे कितना आई टू, और इधर अब ये बात आपको समझ में आ गई ना, ये वाला आई टू करंट बी से डी की ओर भी हो सकता है और डी से बी की ओर भी, पता नहीं है अभी तक। इधर से आई माइनस आई वन आया, इधर से आई टू आया, इधर हो गया आई माइनस आई वन प्लस आई टू, और ये दोनों मिलकर वापस से बाहर कितना बना लिए साहब आई। क्वेश्चन है प्रत्येक शाखा में धारा निकालिए, प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात करो, ये हमारा सवाल है। तो मैं केवीएल लगाना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना। लूप एक दो और तीन लूप दिख रहे हैं, देखो एक्चुअल में क्या है कि आपको प्रत्येक शाखा में करंट निकालना है, तो प्रत्येक शाखा में करंट तब निकलेगा जब आपके पास में आई आई वन और आई टू होंगे। जैसे इस शाखा में करंट चाहिएगा तो आई वन की वैल्यू चाहिएगी, इसमें आई टू, इसमें आई वन माइनस आई टू, इसमें आई माइनस आई वन, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। प्रत्येक ब्रांच में करंट आप तब निकाल पाओगे जब आपके पास में तीन वेरिएबल होंगे आई आई वन और आई टू, और तीन वेरिएबल निकालने के लिए कम से कम तीन इक्वेशंस का होना जरूरी है। तो आप है ना लूप देखना, लूप कौन सा लूप, ए बी डी ए, लूप बोलने का तरीका होता है जहां से स्टार्ट करना है वहीं खत्म करना है, लूप ए बी डी ए। मैं केवीएल से लगाइए सब, केवीएल लगाना ए बी डी ए में केवीएल लगा, ए से स्टार्ट हो जा, ध्यान से देख लेना एक बार। ए से बी गई तो रेजिस्टेंस पड़ा, वैल्यू कितनी है 10, करंट कितना है आई वन, तो इस ब्रांच का वोल्टेज हो गया 10 आई वन, बी बराबर आई आर करंट इंटू रेजिस्टेंस 10 आई वन। अब आप भी ए से बी गए और करंट भी ए से बी ही जा रहा है, मीन्स पॉजिटिव आएगा, मैंने कहा ना प्रतिरोध के लिए विभव बी बराबर आई आर काम मिलेंगे, करंट की दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव। फिर आप ए से बी जाकर बी से डी आए तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 5, करंट कितना है आई टू, मल्टीप्लाई कर दे कितना बन जाएगा 5 आई टू, चूंकि आप भी बी से डी आए क्लॉकवाइज घूमने का मतलब यही तो हुआ आपका एक तरीके से, और करंट भी बी से डी आया तो प्लस का ही है। अब देखना अब की बार आप डी से कहाँ जाने वाले हो, ए अपोजिट टू करंट तो माइनस साइन, और इस ब्रांच का वोल्टेज रेजिस्टेंस है 5 और करंट है आई माइनस आई वन, ये हो गया एक तरीके से आपका सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा बी। इस लूप में आपको कहीं बैटरी नहीं मिली तो नेट वोल्टेज 0। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसमें कुछ नहीं, देखो 5 कॉमन लेके आप काट दो और ब्रैकेट भी खोल दो, 5 यहां तो बन जाएगा 2 आई वन, यहां बनेगा आई टू, यहां माइनस का आई प्लस का आई वन, मतलब 5 कॉमन लेके काट दिया ब्रैकेट भी खोल दिया। अब इनको इकट्ठा करो, आई कितने हैं माइनस का आई, आई वन कितना है प्लस का आई वन, और सॉरी प्लस के 3 आई वन, आई वन और आई वन और प्लस आई टू बराबर 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है कहानी? अब ऐसे तीन इक्वेशन चाहिए ना तीन वैल्यू निकालने के लिए, तो दूसरा लूप देख लीजिए आप, सेकंड लूप बी सी डी वी, लूप बी सी डी वी में केवीएल, इसमें आप केवीएल लगाइए तो बी से स्टार्ट हो जाओ और घूम करके कहाँ आना है बी पर ही आना है। तो बी से सी गए करंट की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस का, रेजिस्टेंस 5 और करंट है आई वन माइनस आई टू, फिर सी से डी आना है अपोजिट टू करंट तो नेगेटिव, रेजिस्टेंस 10 करंट है आई माइनस आई वन प्लस आई टू, डी से बी अपोजिट टू करंट माइनस 5
करंट कितना है आई टू बराबर जीरो, क्योंकि इसमें भी कहीं बैटरी नहीं मिली। पांच कॉमन लेके काट दें और ब्रैकेट खोल दें, आई वन माइनस आई टू माइनस टू आई प्लस टू आई वन माइनस टू आई टू माइनस आई टू बराबर जीरो। इकट्ठा करें आई को तो आई कितने माइनस के टू आई, आई वन को इकट्ठा करना, आई वन को आई वन और टू आई वन प्लस का थ्री आई वन, आई टू माइनस के फोर आई टू बराबर जीरो। इक्वेशन नंबर दो। अब एक लूप और दिख रहा है आपको, ए डी सी ए आउटर लूप दिख रहा है ना, इसमें और लगा दीजिए एक बार लूप ए डी सी ए में केवीएल से। भाई समझ में तो आ गया ना आपको केवीएल, वो तो इक्वेशन वन समझ में आ गया होगा तब कोई बड़ी बात नहीं है। आप ए से डी, डी से सी, सी से इस तरीके से घूम जाओ। तो ए से डी करंट की डायरेक्शन में है इसलिए प्लस में आएगा, रेजिस्टेंस है फाइव और करंट है आई माइनस आई वन। फिर आप डी से सी गए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टेन आई माइनस आई वन प्लस आई टू, और फिर आप करंट के डायरेक्शन में ही आए तो प्लस टेन आई बराबर। इसमें बैटरी मिली 10 वोल्ट की, और जब आप घूम के आए तो बैटरी का पहले नेगेटिव लास्ट में पॉजिटिव पड़ा, लास्ट का टर्मिनल काम में ले लेना इक्वल टू 10। अगर आपको इधर लिखते ना इसको तो अलग तरीका होता, पांच कॉमन लेके काट के ब्रैकेट खोलता हूँ तो आई माइनस आई वन प्लस टू आई माइनस टू आई वन प्लस टू आई टू प्लस टू आई बराबर टू। पाँच कॉमन लेके काट दिया मैंने। अब इकट्ठा करो आई कहाँ है, आई और टू आई कितना हो गया तीन आई, और दो आई कितना हो गया सब पाँच आई। आई वन कहाँ है, आई वन माइनस आई वन और माइनस टू आई वन हो गया माइनस का तीन आई वन, और आई टू प्लस टू आई टू बराबर टू। इक्वेशन नंबर तीन। आपने किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए तीन इक्वेशन बना दिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब इनको सॉल्व कैसे करें ध्यान से देखना, थोड़ा इसको राउंड करता हूँ ताकि जगह और मिल जाए ना लिखने के लिए। अब सुनना ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करें। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई जेड में अगर तीन इक्वेशन हो तो आप किन्हीं दो बार दो दो इक्वेशन यूज करते हो, किसी एक वेरिएबल को गायब कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास आई है, आई वन है और आई टू है, मैं पहले और दूसरे से देखो आई वन ईजिली गायब हो जाएगा, सेम कोफिशिएंट है इनका, तो आई वन को गायब करिए आप तो आपको एक नया इक्वेशन बन जाएगा आई में और आई टू में। फिर आप एक और तीन का उपयोग करते हुए वापस आई वन गायब कर लो और आई और आई टू में दो इक्वेशन मिल जाएंगे आपको। फिर आई और आई टू सॉल्व कर लेना। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ ध्यान से देखना, समीकरण नंबर एक तीन आई वन है और इसमें कितना है तीन आई टू, तो ऐसा कर समीकरण नंबर एक में से दो माइनस करना। समीकरण एक माइनस दो से एक में से दो घटाओ साहब, माइनस आई में से माइनस टू आई गया तो प्लस का आई बचेगा, घटाना आपको आता होगा। तीन आई वन में से तीन आई वन गया तो कट गया, आई टू माइनस माइनस प्लस फाइव आई टू हो गया, आई प्लस फाइव आई टू बराबर जीरो। समीकरण नंबर चार। एक और तीन से देखना, तीन आई वन है और यहाँ माइनस तीन आई वन है, जोड़ने से काम बन जाएगा तो समीकरण एक प्लस तीन करो, जोड़ना माइनस का आई और फाइव आई तो प्लस का फोर आई प्लस थ्री आई वन माइनस थ्री आई वन कट जाएगा, आई टू और टू आई टू थ्री आई टू बराबर जोड़ेंगे तो टू। इक्वेशन नंबर पांच। अब यहां से चार और पांच आई और आई टू में दो इक्वेशन आ गए, आई को गायब कर लो। आई कैसे गायब करेंगे, समीकरण
चार को गुणा कर दो चार से और पांच माइनस कर दो। चार से गुणा किया चार आई में से चार आई गया गायब हो गया, चार से गुणा किया पांचों के बीस आई टू में से तीन आई टू गया तो सत्रह आई टू, चार से गुणा किया जीरो घटाया तो माइनस का दो, तो सबसे पहले आई टू का मान निकल के आया माइनस दो बटे सत्रह एम्पियर। आई टू का मान निकल के आया माइनस दो बटे सत्रह। अब ध्यान से देखिए एक समस्या आ जाती है कि करंट कभी नेगेटिव होता नहीं है, आपने कभी सर्किट में माइनस टू एम्पियर नहीं देखा होगा, पर चित्र को देख आई टू बह रहा है बी से डी की ओर, और मैंने कहा था कि ये करंट बी से डी भी हो सकता है और करंट डी से बी भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव चिन्ह रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने जो डायरेक्शन मानी है ना वो गलत मानी है। ये करंट बी से डी ना होकर कहाँ होगा, डी से बी होगा। पहले सारी वैल्यू निकाल लेते हैं फिर बात कर लेंगे इस चीज़ के बारे में। तो अब आप ऐसा करिए, इस वैल्यू को समीकरण नंबर चार में रख दीजिए, चार या पाँच में रख दो पर चार में आसान रहेगा। समीकरण चार से चार में जमा वैल्यू भैया आई प्लस फाइव और आई टू माइनस दो बटे सत्रह बराबर कितना है जीरो, तो यहाँ से आई आ जाएगा उधर जाकर दस बटा सत्रह एम्पियर। ये आई की वैल्यू आ गई साहब, एक तो आई टू आ गया था एक आई आ गया। अब इस आई और आई टू को उठाकर समीकरण नंबर एक में जमा दो। चलो समीकरण एक से जमाओ, एक में जमाओ माइनस आई मतलब माइनस दस बटे सत्रह प्लस तीन आई वन और प्लस आई टू, आई टू मीन्स माइनस दो बटे सत्रह बराबर कितना है जीरो। यहां से आई वन कैलकुलेट करना, दस बटे सत्रह दो बटे सत्रह बारह बटे सत्रह उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे बारह बटे सत्रह और फिर तीन से भाग और देंगे तो आई वन आ जाएगा चार बटे सत्रह एम्पियर। आपको तीन वेरिएबल तो निकालने थे पहले, आई आई वन और आई टू, आपने तीनों वेरिएबल कैलकुलेट कर लिए, आई भी आ गया आई वन भी आ गया और आई टू भी आ गया, पर अभी आंसर नहीं आया। आंसर क्या है, प्रत्येक ब्रांच में बहने वाला करंट, यहाँ देख लेना भाई जगह नहीं है हम, तो मैं बात करूँ अगर ए बी ब्रांच की, ए बी में बराबर समझ जाना, ए बी धारा की बात कर रहा हूँ, तो ए बी में करंट कितना है आई वन और आई वन की वैल्यू कितनी है चार बटे सत्रह एम्पियर। ये लो ए बी में बहने वाला करंट है चार बटे सत्रह एम्पियर। ए डी की बात करूं तो आई माइनस आई वन, ए डी की बात करूं तो आई माइनस आई वन, आई कितना है दस बटे सत्रह और माइनस आई वन तो माइनस चार बटे सत्रह कुल मिलाकर छः बटे सत्रह एम्पियर। ए बी में तो चार बटे सत्रह हो गया, ए डी में छः बटे सत्रह हो गया, दो ब्रांच में करंट मिल गया। बी डी की बात करें तो बी डी में कितना है आई टू माइनस दो बटे सत्रह, याद रखना ये नेगेटिव चिन्ह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसा कि आपने डायरेक्शन दिखा रखा है उसमें ना बहकर उसके अपोजिट बहेगा। बी सी की बात करना, बी सी में करंट कैसे बहेगा आई वन माइनस आई टू, आई वन कितना है चार बटे सत्रह और माइनस आई टू माइनस दो बटे सत्रह प्लस दो बटे सत्रह, तो बी सी आ जाएगा छः बटे सत्रह एम्पियर। बी सी हो गया। अब लास्ट डी सी की बात और कर लो, डी सी में कितना करंट है आई माइनस आई वन प्लस आई टू, आई कितना है दस बट सत्रह माइनस आई वन कितना है चार बटे सत्रह प्लस आई टू कितना है दो बट सत्रह। सॉल्व करना, ये बनेगा डीसी में चार बटे सत्रह एम्पियर। और एक आंसर और, सी ए ब्रांच में, इसको कह रहा हूं सी ए, आई करंट बह रहा है सी ए ब्रांच में, आई करंट बह रहा है ना, और आई की वैल्यू कितनी है दस बटे सत्रह एम्पियर। ये आपके आंसर।
ठीक है बच्चों, एक बार ढंग से लिख लो, समझ लो, और यहाँ पर किरचॉफ के दो नियम हो जाते हैं हमारे, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। लिख लीजिए एक बार इसको पूरा ढंग से। धन्यवाद बच्चों जुड़ने के लिए आप सभी का, बाकी फिर कल मिलते हैं इसी वक्त ना।